Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear students. मैं मोहम्मद इकबाल भट्ट, कोऑर्डिनेटर एडमिशन्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिरवा, उन तमाम तलबा और तालिबात को जिन्होंने 12वीं इम्तिहान को पास किया है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिरवा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये इतला देना चाहता हूँ कि एडमिशन प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक यूनिक और यूनिफॉर्म पोर्टल बनाया है जिसका एड्रेस है jkadmission.samarth.ac.in। वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उनका उस कॉलेज में, डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। तो इस पोर्टल पे रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 6 अगस्त है। तो हम तमाम तलबा को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पोर्टल पे जाए, रजिस्टर करे और अपने एडमिशन को सिक्योर करे। 6 तारीख लास्ट तारीख है और इसके बाद अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो कोई और तरीका नहीं है कॉलेजेस में एडमिशन लेने। हमारा कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिरवा 15 मेजर सब्जेक्ट्स में 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर कर रहा है, जिनकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है और आप वेबसाइट पे भी उनकी डिटेल और इनटेक कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। सेंट्रल एडमिशन पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। पहला, अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है, कोर्स प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है और फॉर्म सबमिट करना है। तो आप इस एड्रेस पे जाइए jkadmission.samarth.ac.in और वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए। यहाँ पे CUET और नॉन CUET दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट करने के बाद आप इस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको अपने डिटेल्स इसमें अपडेट करने पड़ेंगे, आपको अपनी अचीवमेंट्स अपडेट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको अपनी कैटेगरीज, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो, वो अपडेट करनी पड़ेगी और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे आपके मैट्रिक और ट्वेल्थ के मार्क्स कार्ड्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद तीसरा स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपको एक कोर्स प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिशन जो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में हो जाएगा तो वो डिपेंड करता है कि उस कोर्स की उस कॉलेज में कितनी इनटेक कैपेसिटी है और आपका CUET स्कोर कितना है या आपके प्लस टू लेवल के मार्क्स कितने हैं। अगर उस कोर्स में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो उस सूरत में आप बैकअप के लिए 2-3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके मुताबिक जो आपकी प्रेफरेंस होगी, अगर आपकी पहली प्रेफरेंस में आपका एडमिशन हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर आप दूसरी और तीसरी या चौथी प्रेफरेंस को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो डिग्री कॉलेज बिरवा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि वो यहाँ पे वही कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिरवा ऑफर करता है। हमने आपको पहले ही बताया है, हम 15 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करते हैं। और फाइनली आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उस पर आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद ये फॉर्म कॉलेज एडमिशन कमेटी को जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको एक SMS आ जाएगा और उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगा, आपका किसी पर्टिकुलर कोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी आपको SMS और ईमेल के जरिए आपको नोटिफाई किया जाएगा। और जब आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद आपको ऑनलाइन ही उस एडमिशन को अप्लाई करना है और फिर उसकी फी पे करनी है। इस प्रोसीजर में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी इसमें आ जाती है तो आप कॉलेज के फैसिलिटेशन कम काउंसलिंग सेल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि 2 बजे के बाद वहां पर अवेलेबल होती है। वो आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे और कोर्सेज चूज करने में भी हेल्प करेंगे। तो अगर आपका कोई इसमें कोई क्वायरी है तो आप admission@gdcbirwa.edu.in पे मेल लिख सकते हो हमें।